तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एके ऑनलाइन पॉइंट। बेल्ट्रॉन की तरफ से बड़ा धमाका आप लोगों के लिए जारी किया गया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर आ चुकी है स्टेनोग्राफर के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा कि स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होना था बहुत ही पहले 2020 में, आप लोगों का फॉर्म फिलअप कराया गया था, तो उसके रिकॉर्डिंग यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। आपके MCQ यानी कि आपका CBT एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, डेट भी जारी कर दिया गया है। सारी डिटेल आपको बताएंगे इस वीडियो में, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो फाइनली इंतज़ार आपका ख़त्म हुआ। मैं भी आपको क्या है कि आप लोग बहुत सारे फ़ोन कॉल्स करते थे, मैसेजेस करते थे, तो आश्वासन देते देते मैं भी थक गया था। उम्मीद यही थी इसी वर्ष में एग्ज़ाम होने की, और नोटिफिकेशन निकल कर आ चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छी बात है, खुशखबरी है। आप बेल्ट्रॉन का ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर देखेंगे नोटिस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ स्टेनोग्राफर देखने को मिलेगा। सिंपली यहीं पर क्लिक करके उस नोटिफिकेशन को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा था, डायरेक्ट ओपन कर लूँगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बेल्ट्रॉन के माध्यम से संविदा पर कार्य करने के इच्छुक रजिस्टर स्टेनोग्राफर आशुलिपिक अभ्यर्थियों की कंप्यूटर आधारित दक्षता परीक्षा MCQ की यहाँ पर सूचना आप लोगों को बताई जा रही है। जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, जैसे ही कोई अपडेट निकल गया आता है, हम जल्द से जल्द आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे। तो यहाँ पर 2020 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का रजिस्टर कराए हुए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि MCQ दक्षता परीक्षा 1 एवं 2 नवंबर को आयोजित है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके पास अभी भी टाइम है, बहुत ही अच्छी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। 1 और 2 नवंबर में आप लोगों की परीक्षा ली जाएगी। बहुत ही कम कैंडिडेट हैं, इसीलिए 2 दिनों में परीक्षा समाप्त कर ली जाएगी, क्योंकि हमने आपको बताया होगा, आप जाके हमारी पुरानी वीडियो वॉच करें, लगभग 16,000 कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन हुआ था। आप हम चेक कर सकते हैं कि कितना रजिस्ट्रेशन हुआ था स्टेनोग्राफर बेल्ट्रॉन एक ऑनलाइन पॉइंट, लिख देंगे, हमारी वीडियोज़ आ जाएंगी, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो 2 दिनों में परीक्षा आपकी समाप्त कर दी जाएगी। प्रस्तावित दक्षता परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT होगी। अभ्यर्थियों को कंप्यूटर ज्ञान की यह परीक्षा 1 घंटे की होगी, यानी कि जिसमें 60 वस्तुनिष्ठ MCQ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 60 प्रश्न होंगे। उत्तीर्ण हेतु 50% अंक लाना आवश्यक होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तभी आप यहाँ पर पास हो सकते हैं, आपको 50% अंक लाना होगा। MCQ परीक्षा का सिलेबस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग NIOS के डाटा एंट्री ऑपरेटर सिलेबस कोड संख्या 336 के समान होगा। आप स्टेनोग्राफर सिलेबस AK ऑनलाइन पॉइंट सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में, आपको हमारी वीडियो दिख जाएगी, सिलेबस आपको दिख जाएगा। साथ में हम आपको वहाँ पर क्या है कि MCQ दिखाए हैं, कैसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिर से वीडियो आ जाएंगी, नई वीडियो, आप पुरानी वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। और इस परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की टाइपिंग दक्षता अंग्रेजी में 30 वर्ड पर मिनट या हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट की परीक्षा ली जाएगी। यानी परीक्षाएं दोनों होंगी, दोनों में से किसी एक परीक्षा को आपको पास करना होगा, लेकिन नॉलेज आपको दोनों का होना चाहिए, क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट में आपकी ज्वाइनिंग होती है, पता लगा आपको इंग्लिश से आप पास हो चुके हैं, हिंदी का आपको आता ही नहीं है, तो फिर बेकार रहेगा। जैसे अभी LRC बहुत सारे डाटा एंट्री ऑपरेटर कैंडिडेट को वापस कर दिया था, जिसकी सूचना बाद में दी जाएगी। और टाइपिंग टेस्ट में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के हिंदी एवं अंग्रेजी आशुलिपिक गति की परीक्षा होगी, इसमें दक्षता का स्तर 80 वर्ड पर मिनट होगा। यानी कि जो टाइपिंग उत्तीर्ण करेंगे उनका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा जो 80 वर्ड पर मिनट का होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं कि MCQ परीक्षा है तो एडमिट कार्ड शीघ्र ही बेल्ट्रॉन के वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा, जिसे रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्मतिथि का उपयोग करके डाउनलोड किया जा सकेगा। एडमिट कार्ड में तिथि, समय एवं परीक्षा स्थल का विवरण रहेगा, कब और कहाँ पर कैसे आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। जैसे एडमिट कार्ड जारी होता है, हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे। इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को संविदा आधारित यानी डेवलपमेंट के लिए सूचीबद्ध कर एक पूल का निर्माण किया जाएगा, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के कैंडिडेट के लिए गया था, एक पैनल बनाया जाएगा। पूल में सभी आरक्षण कोटियों के अभ्यर्थियों का पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित दक्षता स्तर पर महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अभ्यर्थियों को प्रत्येक स्तर के मूल्यांकन में 10% तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 15% की अधिमानता दी जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, रिजल्ट में भी आपको ये छूट देखने को मिलेगा, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर में मिला था। विभागों तथा अधियाचिक कार्यालयों से प्राप्त अधिसूचनाओं के विरुद्ध रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुक्रम के अभ्यर्थियों के नाम का प्रेषण बेल्ट्रॉन द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा। अधियाचना विरुद्ध प्रेषण में राज्य सरकार की आरक्षण नीति की पूर्णतः पालन की जाएगी। जी हाँ, और हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, अधिक जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर MCQ की सारी तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।
डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा स्टेनोग्राफर ईबुक से जुड़ी एमसीक्यू की, आप उसको डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।